नाउ सेकंड असाइनमेंट जो है, पहला क्वेश्चन जो असाइनमेंट का है, व्हाई आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, व्हाई आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनिसोट्रॉपिक। बिकॉज इनकी प्रॉपर्टीज जो है, दे आर डिफरेंट इन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, दैट इज व्हाई दे आर एनिसोट्रॉपिक। ये हमने किया हुआ स्टार्ट में ही, क्योंकि दे शो डिफरेंट प्रॉप फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड सपोज इलेक्ट्रो प्रॉपर मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। क्योंकि इनमें क्या होता है कि हर साइड में आपको, बिकॉज दे हैव प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ना, कि जैसे एक जगह पर होगा वैसा ही होगा दूसरी जगह पर। अगर ये अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, यही होगा यहाँ पर भी। तो फिर अगर मैं किसी जगह स्टार्ट करूँ, इनकी प्रॉपर्टी को देखना, मैं सपोज यहाँ से करूँ तो यहाँ से पार्टिकल आएगा, यहाँ से यहाँ से भी पार्टिकल आएगा, यहाँ से यहाँ से कोई पार्टिकल नहीं होगा दूर दूर तक, यहाँ से पार्टिकल नहीं होगा दूर दूर तक। सो डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, दैट इज वाई दे आर नोन दे आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम, व्हाई डज द स्टेटमेंट मेक गो सेम, पहला और सेकंड सेम है। थर्ड इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, क्लासिफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्लासिफाई करना है इनको हमने, क्लासिफाई द फॉलोइंग बेंजीन, सिल्वर, डायमंड और NaCl। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के बेस पर हमने इनको क्लासिफाई करना है कौन डिफरेंट टाइप्स। देखो बेंजीन, एक बेंजीन और दूसरे बेंजीन के बीच में है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, वन रिवॉल्व फोर्स, सो इट्स मोलिक्यूलर सॉलिड। सिल्वर इज अ मेटल, इज अ मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन सिल्वर एटम, सो मेटेलिक सॉलिड। डायमंड कार्बन एटम्स का बना है, सो इट्स कोवलेंट, कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स, कोवलेंट सॉलिड। NaCl आयंस आर देयर, सो इट्स आयनिक सॉलिड, राइट। ये भी एक क्वेश्चन था इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ था, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो असाइनमेंट दिया था मैंने, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमने कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स हमने निकालने हैं, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 8.1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इफ इट क्रिस्टलाइज इन, क्वेश्चन लिख लेंगे फिर, कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 8.1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इफ इट क्रिस्टलाइज इन FCC अरेंजमेंट। अगर ये FCC अरेंजमेंट है, देखो FCC अरेंजमेंट में क्या होता है आपको पहले से ही पता होना चाहिए, FCC का चार होता है, तो चार मतलब चार पार्टी FCC में चार है होता है, मतलब ये कि चार पार्टिकल्स एक यूनिट सेल, एक यूनिट चार पार्टिकल्स इक्वल टू वन यूनिट सेल। हमें देखना है कि 8.1 ग्राम में कितने पार्टिकल्स होंगे अल्मोनियम और फिर कितने यूनिट सेल्स होंगे, सिंपल। तो पहले हम देखेंगे एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास क्या है, मोलर मास क्या है, मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 ग्राम्स, सो 27 ग्राम में एक मोल होता है, एक मोल होता है 6.022 इंटू 10^23 एटम्स होते हैं, एक ग्राम में कितने होते हैं डिवाइड बाय 27 और हमें निकालना है 8.1 ग्राम में कितने होंगे इंटू 8.1 ग्राम। पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक जीरो नीचे करेंगे, 27 कैंसिल हो गया, 6.022 इंटू 10^22 इंटू 3,
6.022 इंटू 10^22 इंटू 3, इतने एटम्स है, इतने एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम है, राइट right? अच्छा, अब इतने एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम है, अब इसके बाद हमने क्या देखना क्या है, देखो ध्यान से, हमें कैलकुलेट करना है, हमें पता है 4 यूनिट सेल्स जो होते हैं, 4 यूनिट सेल्स, 4 पार्टिकल्स का एक, 4 पार्टिकल्स क्योंकि एफसीसी अरेंजमेंट है, इक्वल टू 1 यूनिट सेल, 1 यूनिट सेल में 4 पार्टिकल्स होते हैं, 1 पार्टिकल में कितने यूनिट सेल्स होंगे, 1/4, और 6.022 इंटू 10^22 इंटू 3 में कितने पार्टिकल्स होंगे, 1/4 इंटू 6, इतने यूनिट सेल्स, सॉरी नॉट पार्टिकल्स, यूनिट सेल्स, यूनिटरी मेथड से करें, राइट right? इसको सॉल्व करेंगे तो जो निकलेगा वो आंसर होगा 3 × 6, 3 × 18.4 इंटू 10^22, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 4 × 5, 4 × 1, 4 × 6, 4 × 5 इंटू 10^22 यूनिट्स आंसर, राइट। इसमें ये याद रखना है कि अगर मैं कहूं z इज इक्वल 4, इसका मतलब 1 यूनिट सेल में 4 है, तो 4 का 1 यूनिट सेल है। एक बार आप चेक कर सकते हैं, फिर Z for FCC 4 होता है, molecular mass aluminium 27 ग्राम है, 27 ग्राम में 1 Avogadro number of particles है, 8.1 ग्राम में कितने particles है, वो हमने निकाल दिया, इतने particles है, 4 particle 1 unit cell में होता है, तो 1 particle 1/4 and 6.022 into 10^23 into 3 particles में कितने unit cells होंगे, 4.5165 into 10^22, right? Now next question. Sixth question of the assignment. Question है, what is the formula of a compound? What is the formula? ये आपको पता होगा, what is the formula of a compound? Of a compound in which element Y, in which element Y forms CCP. CCP means FCC. याद रख, CCP. Lattice and atoms of X occupy 2/3 of the heteroids. Simple. मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ question, ध्यान से सुनिएगा. CCP, Y is equal to CCP. CCP means FCC. FCC means 4. Y is 4. अब बताओ octahedral voids कितने हैं? Octahedral voids are 4 n. Tetrahedral होता तो 2 n. Octahedral voids n बराबर जितने particles उतने octahedral voids. अब x कितने होंगे? X है ये 2/3, हाँ 2/3, मैंने 3/3, 2/3 और 4, 8/3, right? अब formula क्या आएगा? अब formula है x है 8/3 और y है 4, राइट right? अब 8/3 इज टू y को करेंगे, सो ये बनेगा 8 एंड ये 3/4 12, तो ये आएगा x 2y 3, फाइनल आंसर 4 2s are 4 3. 8/3 एंड 4 को मैंने क्रॉस कर दिया, 4/1, ये 8/3 ऐसे 8/3, 4/1, 1:8, 3:4, 12, ऐसे होता है, क्रॉस करना होता है अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, राइट। अब सेवन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन है सारे। एन आयनिक कंपाउंड Ab2 पजेस CaF2 को सबसे राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर A+ एंड B नेगेटिव इन द क्रिस्टल ऑफ यस। अब इसमें भी कुछ चीजें याद रखनी है आपको, क्योंकि ये अब ये स्ट्रक्चर्स जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे सिलेबस में अब नहीं है, राइट CaF2 का स्ट्रक्चर जो होता है ये आपको याद रखना है। देखो बेटा CaF2 का पहले आपको ये याद रखना, CaF2 का स्ट्रक्चर अलग है, एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। CaF2 का स्ट्रक्चर होता है, इसको फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये आप पहले आप याद रख लो, फ्लोराइड स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, इसकी अलग ही। इसमें कैल्शियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8 होता है, फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है,
ये अलग एक स्ट्रक्चर है CF2 का, ये आपको याद रखना। बस हो गया वही चीज, फिर हमारा क्वेश्चन हो गया। अगर ये A2+ ion, जो ए क्या है सेवेंथ में क्वेश्चन, AB2 टाइप है, कैल्शियम क्लोराइड स्ट्रक्चर जैसा है, A2+ को फिर क्या होगा 8, और B- आयन्स का क्या होगा 4, बिकॉज कैल्शियम फ्लोराइड में कैल्शियम का कोऑर्डिनेट नंबर 8 होता है, फ्लोराइड फ्लोरीन फ्लोराइड आयन का 4 होता है। कैल्शियम फ्लोराइड की एक खासियत है, ये आपको याद रखना। जैसे NaCl टाइप है ऐसा ही फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी है। फिर 8th क्वेश्चन है इसमें, एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइज एज FCC अरेंजमेंट, सो Z क्या है फिर 4। एटॉमिक रेडियस गिवन है 125 पिकोमीटर, सिंपल है। अब सारे हमें एज लेंथ निकालना, ए निकालना है का। तो एफसीसी है, तो एफसीसी के लिए फॉर्मूला आपको पता है, रेडियस किसके बराबर है a/2√2। सो ए किसके बराबर हो गया 2√2 ए, 2√2 इंटू आर, 2√2 आर इज 125। सो ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं, 150√2 पिकोमीटर आंसर। The 8th question, simple. 9th question, the edge of the face-centered cubic unit of aluminium is this. Again, edge is given 404 picometer. Radius निकालना है, लेकिन FCC वाला है, तो FCC structure के लिए same formula, radius is equal a/2√2. Formula use करो, 404 upon 2√2, correct? So, √2/√2 से करेंगे रेशनलाइज, इजी हो जाएगा, नीचे आएगा 4, ऊपर आएगा, सो 101√2 आंसर, इतना पिकोमीटर आंसर, राइट। फिर 10th क्वेश्चन, एन एल्यूमिनियम डेंसिटी, ये तो आसान है, ये तो सिंपल है, आपको एटॉमिक मास जैसे मैंने कहा था पहले भी m निकालना है। डेंसिटी गिवन है 11.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, FCC lattice है, तो Z is equal 4, edge length A is given 4 × 10⁻⁸ centimeter, उधर से ही given है, atomic mass निकालना है, और Avogadro number given है 6.022 × 10⁻³, सब कुछ given है, use formula, m/a³ × n, इसमें से आपको सिर्फ एक चीज निकालना है, that is this m, बाकी सब कुछ given है, easy है। Then 11th question है, unit of an element of an atom mass 180, so m is 180 gram, वहाँ पर atom mass लिखा है, हमें ये चाहिए gram। Density is again given 10.5 gram per cubic centimeter। Edge length A is given 409 picometer, इसको centimeter में convert करेंगे, 409 × 10⁻¹⁰ centimeter, right? Type of unit cells, Z निकालना आपको। टाइप का मतलब जेड, अगर Z2 निकला तो आप कहेंगे BCC, अगर Z4 निकला आप कहेंगे FCC, करेक्ट। अगर Z1 निकला सपोज आप कहेंगे सिंपल क्यूबिक, ये हो इसमें लास्ट में आप Z निकालिए सेम फॉर्मूला यूज करके, राइट। 12th भी ऐसे ही है, हाँ 12th क्वेश्चन बताता हूँ, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइज इन BCC with edge length 500 picometer, density given है 75 gram per cubic centimeter, how many atoms, question क्या है, present 300 gram element, simple है, आप पहले Z निकालेंगे, BCC का मतलब Z2 है पहले, ठीक है ना, आप ये formula है, given element question, BCC lattice with edge length this, density at a present 300 gram of the element, 300 ग्राम ऑफ एलिमेंट कितने, तो इसमें क्या निकलेगा, एम निकलेगा, पहले मोलर मास निकालो इस फॉर्मूला से, सब कुछ गिवन है आपको, डेंसिटी गिवन है, एज लेंथ है, जेड निकला है, एम निकला, हमें निकालना है फिर 300 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, 300 ग्राम ऑफ द एलिमेंट, हाउ मेनी एटम्स ऑफ 300 ग्राम ऑफ द एलिमेंट निकालने हैं, तो सिंपल है, तो आप क्या करेंगे इसमें, आप जेड निकालेंगे, तो जब m निकल जाएगा उसके बाद आपको फिर मोलर मास पता चलेगा, तो सपोज इसमें मोलर मास आपको 40 निकला, ये आपको कैलकुलेट करके निकालेंगे, सपोज ये 40 निकला, फिर आप लिखेंगे 40 ग्राम में एक एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स है,
1 ग्राम में कितना होगा डिवाइड बाई 40, और 300 ग्राम में कितना होगा इंटू करेंगे 300, वो आंसर आएगा, क्योंकि आपको निकालना है 300 ग्राम ऑफ एलिमेंट में कितने एटम्स है, राइट। मोलर मास का मतलब है उतने ग्राम में एक मोल एटम्स होते हैं, तो इस फॉर्मूला से मोलर मास निकालेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, आयरन हैज अ बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल बीसीसी है, बीसीसी का मतलब जेड इज इक्वल टू बीसीसी है, सेल डायमेंशन मतलब ए इज इक्वल टू 86.65 पिकोमीटर, इसको हम सेंटीमीटर बनाएंगे उधर ही, राइट। डेंसिटी भी गिवन है 7.87 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, एवोगाड्रो नंबर निकालना है, ऑब्वियसली इसका जब आप निकालेंगे जर्सी फॉर्मूला यूज करके ही एन ए निकलेगा, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। जो बच्चे देखो बेटा अगर एंट्रेंस में आएगा सपोज ये क्वेश्चन, एवोगाड्रो ऑलमोस्ट एवोगाड्रो नंबर जब निकलेगा वो तो बराबर ही निकलेगा ना, 6.02 × 10^23 ही आएगा, आना चाहिए और आएगा भी वही चीज, इसका आंसर है फॉर्मूला यूज करके। दिस वाज ऑल अबाउट दिस टू, नाउ टुमारो वी विल बी मीटिंग अगेन विद एंट्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस।